में विशेष योजना अंतर्गत ACL और नॉन ACL बालिकाओं की विशेष योजना के अंतर्गत किताबें और उत्तर पुस्तिकाएं निःशुल्क। नॉन ACL बालक बालिकाओं के लिए विशेष योजना के अंतर्गत विद्यालय शुल्क में भारी छूट। एक ही अभिभावक के पुत्र पुत्री हेतु प्रथम बालक बालिका पूर्ण शुल्क, द्वितीय बालक बालिका 50% छूट और तृतीय बालक बालिका पर 25% छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कलेक्टर अंशदीप ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अंशदीप ने इसके बाद उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और विभागों के अधिकारियों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा कर उनके क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने PMO सुरेंद्र सिंह से कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी ली, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन से क्षेत्र की जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सर, आज जो एक विभागीय मीटिंग थी, आखिर में किन किन मुद्दों को लेकर क्या क्या निर्देशित किया गया अधिकारियों से? फर्स्ट विजिट है ब्यावर का, तो पहला उद्देश्य यही था ये समझना कि क्या पे क्या क्या चल रहा है, अलग अलग स्कीम्स के अंदर क्या प्रगति रह रही है। सरकार की काफ़ी सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और उसके जो टारगेट्स हैं उसको मीट करने के अंदर किस हिसाब से स्ट्रैटेजी और बेटर बनाई जा सकती है, वही मेन फोकस था। अभी ये भी फोकस रहेगा कि यहाँ पर जिला अस्पताल है, वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, और कुछ फ्लैगशिप योजनाओं का बजट का भी अभी आगे प्लान है, जिसको देख के यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क एंड डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंसेस कैसा चल रहा है उस संबंध में एक बार चर्चा की जाएगी और आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। सर, कहीं ना कहीं जवाजा पंचायत समिति में पिछले 4 सालों से वाटरशेड डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी यहाँ नियुक्त नहीं है और फिर भी कार्यवाही चल रही है, कार्य हो रहा है, लेकिन जिस तरह का जो कार्य गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं होता नजर आ रहा है। इसके बारे में अभी मेरे को जानकारी नहीं मिली है। अगर यदि ऐसा है तो इनके गाइडलाइंस के अनुसार रैंडम विजिट का एक प्रावधान होता है, हम उसको बोल देंगे आप क्वालिटी चेक करवा लें उसके।